नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें अगर आपको आवेदन करना है तो मैंने इसकी पूरी डिटेल के साथ आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, और आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आवेदन आपको करना है। आवेदन करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने कल परसों के दो दिन पहले यहाँ पर अपलोड किया था, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रेल कौशल विकास योजना का हमने वीडियो अपलोड किया था। आज आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर या गूगल कुछ भी ओपन कर लेना, और यहां पर आपको सर्च करना है रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहां पर आपको जो इंटरफेस शो होने लगेगा, यहां पर आपको जो एक वेबसाइट देखने को मिल रही होगी, यहां पर रेल कौशल विकास योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करना है। इस पर ऑनलाइन आवेदन अगर आपको करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर चार आपको प्रशिक्षण आपको टोटल देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला प्रशिक्षण केंद्र आपको कहाँ पर मिलेगा, बड़ोदरा में। दूसरा आपको मिलेगा पहला मिलेगा आपको दाहोद में, दूसरा आपको मिलेगा बड़ोदरा में, तीसरा आपको मिलेगा साबरमती में, और चौथा मिलेगा आपको साबरमती। तो यहाँ पर अगर आपको जिसमें भी आवेदन करना हो आप अपने हिसाब से इस पर क्लिक कर दे। तो चलिए हम पहले वाले पे ही आवेदन करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा परेल वर्ग सबके लिए ऑनलाइन आवेदन करें बेसिक ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। हमको बेसिक ट्रेनिंग चाहिए, अगर आपको दूसरी किसी चाहिए तो आप उस पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे उस पर आप आवेदन करेंगे आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, जैसा आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम आधार कार्ड जैसा नाम लिख देते हैं। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो चलिए हम फटाफट इंटर डिटेल कर देते हैं, ठीक है। ऊपर की डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेड चुनने को मिलेगा, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रीशियन क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और बेच का चयन करना है तो बेच में आपको क्या करना है कि आपको अगर 15/9/2021 टू 6/9/2021 वाला बेच सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर 2023 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 2023 वाला नहीं है। यहाँ पर आपको बेच हम सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ठीक है, बेच हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया है। चलिए हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अब सिलेक्ट करना है जहां से आपने बोर्ड की थी, तो हमने स्टेट बोर्ड से की थी तो हम स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने सीबीएसई से की थी तो सीबीएसई सीट करना है। आपके 10वीं में कुल कितने प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। तो हमारा 62 है तो यहाँ पर हमने 62 कर दिए। अब आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है, और यहाँ पर जन्मतिथि सत्यापित के लिए कोई मार्कशीट अपलोड करनी है, फोटो के लिए आधार कार्ड वगैरह सिलेक्ट करना है, और पंजीयन MBBS डॉक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो कर देना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आपको ये अपलोड करना है, ठीक है। प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है, इसका प्रिंट निकालिए, इसको पूरा भरिए, उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपलोड कर दीजिए, स्वयं घोषणा कर दिए, सबमिट कर दीजिए, आपका यह फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंट निकालने का एक ऑप्शन नहीं देगा, आपको लिखा लगेगा आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके ईमेल पर कुछ मैसेज आएंगे, उसे आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करिएगा। और एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।